अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVACR से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो आपके साथ कैरियर 30XW चिलर जो के कैरियर ब्रांड का है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसका ऑयल साइकिल, इसकी ऑयल साइकिल के अंदर बहुत ही खसूसियत हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये चिलर मार्केट में काफ़ी इन है। इसके अंदर देखेंगे के इसके अंदर, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में एक बात आपके साथ शेयर करता जाऊं, जैसा कि आप ये देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एक साइड के ऊपर आपको कैरियर चिलर नज़र आ रहा है जो कि 30XW है, वाटर कोल्ड लिक्विड चिलर। इसके अंदर खास बात जो इसकी स्पेशल चीज़ है वो ये है, इस चिलर के अंदर ना तो ऑयल हीटर का इस्तेमाल किया गया है, ना ही ऑयल कूलर का इस्तेमाल किया गया है, ना ही ऑयल पंप का इस्तेमाल किया गया है, और ना ही एक्सटर्नल ऑयल सेपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बन जाती है कि चिलर के अंदर कोई ऑयल सेपरेटर भी ना हो, ऑयल हीटर भी ना हो, ऑयल कूलर भी ना हो, और ऑयल पंप भी मौजूद ना हो, और ऑयल अपना प्रॉपर काम भी करे, यानी कि ऑयल कंप्रेसर की लुब्रिकेशन भी करे, ऑयल ठंडा भी हो, ऑयल को अगर ज़रूरत पड़े गर्म करने की तो वो भी देख लेंगे उसका क्या प्रोसीजर है, और एक्सटर्नल आपको ऑयल सेपरेटर भी नजर कोई नहीं आएगा। ठीक है, इसकी मैं एक मजीद आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ। ये बेसिकली फिजिकली आप देख रहे हैं, ये इसका फ्रंट फेस है। ठीक है, ये इसका फ्रंट फेस है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सिंपल, नीचे आपको कंडेंसर नजर आ रहा है, ऊपर की साइड के ऊपर आपको वेपोरेटर नजर आ रहा है। ये जो दो, क्योंकि ये ड्यूल सर्किट है लेकिन कंप्रेसर सिंगल है, ड्यूल सर्किट से क्या मुराद है कि आपका डबल कंप्रेसर होता है, डबल पार्टीशन होती है कंडेंसर के अंदर भी वेपोरेटर के अंदर भी, लेकिन इन्होंने सिंगल कंप्रेसर का यूज करके पार्टीशन कर दी गई है आपके कंडेंसर और आपके वेपोरेटर के अंदर। ठीक है, अभी इसकी जो बैक साइड है वो ये है आपके सामने, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल सा आपके साथ है। इसके ऊपर मैंने सिस्टम चीजें दिखाई हैं कि ये आपका जो साइकिल है ये बहुत, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल लाइन या बहुत हैवी इक्विपमेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन समझने की बात यह है कि इसके अंदर ऑयल हीटर नहीं है, तो ऑयल को अगर हमने गर्म करना है तो कैसे करना है, ऑयल कूलर नहीं है क्योंकि ऑयल को ठंडा करने की भी जरूरत पेश आती है, ऑयल पंप नहीं है कि अगर आपने ऑयल पंप भी नहीं है तो इसके अंदर आपको पता है कि ऑयल आपका सर्कुलेट करता है तो उसको हम दोबारा कंप्रेसर तक किस तरीके से लेके जाते हैं, उसके बाद ऑयल का एक्सटर्नल सेपरेटर ना होना तो ऑयल हमारा गैस से कैसे सेपरेटर होता है। तो चलिए अब हम कंप्लीट डिटेल के इसके सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका ये फ्रंट फेस आप देख लें, उसके बाद ये आप बैक इसका फेस देख रहे हैं, तो इसके अंदर आपको ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इसका टॉप के ऊपर कंप्रेसर है। ठीक है, कंप्रेसर ये आपके साथ, इसकी यहाँ से ये जो ब्लैक कलर की इंसुलेशन हुई है टॉप के ऊपर, ये कंडेंसर है बेसिकली, शेल एंड ट्यूब टाइप, सॉरी एवेपोरेटर है, एवेपोरेटर से गैस कंप्रेसर सक्शन करता है, सक्शन करने के बाद ये कंप्रेसर उसको स्क्रू कंप्रेसर है जो कि इसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं और हाई टेम्परेचर गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। स्क्रू चिलर्स के अंदर आपका कंप्रेसर ऑयल है वो आपका ट्रेवल करता है आपकी गैस के साथ। अक्सर चिलर्स के जो स्क्रू चिलर्स हैं उनके अंदर बाहर अलग से ऑयल सेपरेटर और ऑयल कूलर लगा दिया जाता है, पहले आपका ऑयल गैस से अलहदा होता है, सेपरेट होता है, फिर उस ऑयल को ठंडा कर लिया जाता है और उसको दोबारा कंप्रेसर में भेज दिया जाता है, लेकिन इस चिलर के अंदर आपको बाहर कोई चीज नजर नहीं आ रही। ठीक है, अब ये क्या होता है कि आपकी ये जो डिस्चार्ज की लाइन है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर चला, इसके ऊपर आपकी डिस्चार्ज की गैस के अंदर आपका ऑयल भी मौजूद है, ये मफरल है बेसिकली साउंड के लिए। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये डबल सर्किट है, सिंगल कंप्रेसर लेकिन सर्किट डबल है, तो दोनों साइड से इसकी ब्रांच निकली, एक हमारे इस सर्किट में आ गई और एक इस सर्किट में हमारी गैस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर विद ऑयल, यानी कि इस लाइन के अंदर आपका ऑयल भी मौजूद है। अच्छा, ये डायरेक्ट हमारा कंडेंसर के अंदर जा रही है, गैस भी ऑयल भी, तो इसको हमने अब इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि इस कंडेंसर के अंदर ही वो तमाम काम हो रहा है कि यहाँ से ऑयल भी वापस जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये जो ऑयल की लाइन है ये बेसिकली ऑयल की लाइन है, ये जहाँ पे हमारा कर्सर जा रहा है कॉपर की छोटी, तो इस लाइन के जरिए हमारा ऑयल दोबारा कंप्रेसर में जा रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है ये सारी डिटेल समझने वाली है। ठीक है, अभी मैं इसका एक मजीद दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं,
ये आप देख रहे हैं ये डिस्चार्ज साइड है, ये आप देखें, ये मैं भी आपको ये पोर्शन खुला हुआ दिखाता हूँ। आपने ये देखना है कि आप ये गैस आ रही है इस लाइन के जरिए और इस लाइन के जरिए कंडेंसर में। अब मैं आपको जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें क्या होने वाला है कि इसका ये वाला जो पोर्शन है ये मैं आपको खुला दिखाता हूँ। ये आप देखें, अब ये आप देख रहे हैं ये जो ट्यूब्स आपको एक साइड के ऊपर डोर साइड के ऊपर नजर आ रही है सारी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक एरो बनाता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये मैं एरो बना देता हूँ इस जगह पे। याद देख ये ऐसे, ये आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला शेल है ना, इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या है कि ये जो गैस ये आप देख रहे हैं इस लाइन के जरिए आ रही है, यहाँ पे बेसिकली प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब होता क्या है कि वो जो मैंने एरो बनाया था आपका कंडेंसर का, ये इस जगह पे आता है ऐसे, सॉरी, ये इस जगह पे आएगा यहाँ पे, ये और एक यहाँ से फिर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा ऑयल आ गया। अब होता क्या है कि कंडेंसर की ट्यूबों के ऊपर प्लेट्स लगी हुई हैं, समझ ले प्लेट्स हैं ऑयल सेपरेटर का जो काम कर रही हैं। आपकी हाई प्रेशर गैस जब उन प्लेट्स के ऊपर आकर टकराती है, उसके अंदर जो ऑयल मौजूद होता है वो उन प्लेट्स के ऊपर, वो टेपर्ड होती हैं, उन प्लेट्स ग्रूव्स बने होते हैं, उन प्लेट्स के ऊपर में से आपका ऑयल आपके इस जगह पे सेंटर में आ जाता है, इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे आपका ऑयल का सेंटर आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ऑयल इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारा ऑयल आपके कंडेंसर के अंदर ये सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऑयल आपका उन प्लेट्स के ऊपर आ गया, तो अब नेक्स्ट है जब वो ऑयल इकट्ठा हो गया तो पंप की जरूरत होती है यहाँ से उठा के वापिस आपके कंप्रेसर इस लाइन के जरिए। तो पंप हमने यूज नहीं किया, हमने जो कंडेंसर के अंदर आपको पता है कि हाई डिस्चार्ज साइड होती है, इसके अंदर अच्छा खासा प्रेशर होता है जो कि रेफ्रिजरेंट का होता है, ठीक है। अब रेफ्रिजरेंट उस ऑयल के ऊपर प्रेशर बनाती है, ठीक है, क्योंकि नीचे एक सम्प सा बना हुआ है तो लिक्विड है ऊपर गैस है, ठीक है। ये सारा काम ट्यूब्स के ऊपर हो रहा होता है, ट्यूब्स के ऊपर, क्योंकि जब आपकी रेफ्रिजरेंट ट्यूबों में चली जाएगी जहां पे ट्यूब्स लगी हुई हैं, तो वहां पे तो वो कंडेंसर वाटर गुजर रहा है, कूलिंग वाटर गुजर रहा है, तो वहां पे तो वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं ये कंडेंसर के ऊपर, जो मैंने आपको टेपर्ड मैंने आपको दिखाई पहले प्लेट, ये वाली जो प्लेट है ऐसे टेपर्ड है, ये बेसिकली ऐसे ही टेपर्ड है जो मैंने आपको अभी ये बनाकर दिखाई था, तो वो ऐसे टेपर्ड आ रही हैं। तो वो एक साइड से उनके ऊपर गैस आ रही है, वो ऑयल इकट्ठा होकर नीचे आ गया। अब जब ऑयल नीचे आ गया तो आपको पता है कि गैस भी उसके ऊपर प्रेशर बनाती है, जब कंडेंसर पूरे के अंदर प्रेशर है, तो ये जो लाइन है ऑयल की, ये जो जा रही है ऊपर, ये बेसिकली हमारी सक्शन साइड पे कनेक्टेड है, या ये जो लाइन है ये हमारी सक्शन साइड पे कनेक्टेड है। तो सक्शन साइड से कनेक्टेड होने का क्या मतलब है कि लो साइड है, जब हाई साइड कंडेंसर के अंदर उसको प्रेशर बनाएगी तो वो ऑयल ऑटोमेटिकली लो साइड पे जाना शुरू कर देगा, यानी कि आपके कंप्रेसर की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये हो गया पंप का काम। इससे नेक्स्ट ऑयल को कूल करने का काम। अब ऑयल को कूल करने का क्या काम है, ऑयल को कूल करने के लिए एक पिक्चर में मजीद आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये आप देखें तो इस लाइन के ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारा कूलिंग वाटर इन हो रहा है और ये कूलिंग वाटर आउट हो रहा है। जब पानी इस जगह पे ऑयल इस जगह पे आता है तो जो ऑयल सम बनी हुई है उसके अंदर से भी छोटी छोटी ट्यूबें गुजर रही हैं, जो कि ये जो पानी है कूलिंग वाटर का उन ऑयल सेपरेटर में से भी गुजरता है। तो ऑयल आपका इस कूलिंग वाटर के टेम्परेचर के साथ मैच किया गया है, क्योंकि इसके जो ऑयल का टेम्परेचर है वो भी तकरीबन अंडर 235 रहता है जो कि कंप्रेसर को जाना है। तो फिर ये जो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर है उस ऑयल को मेंटेन करता है जो कि दोबारा आपके कंप्रेसर में जाना है। इससे नेक्स्ट, यानी कि अब मैंने आपका ऑयल स्प्रेडर का इसके अंदर जो था वो भी क्लियर कर दिया, ऑयल कूलर का भी मैंने आपको कि इसके अंदर ऑयल कैसे ठंडा होता है जो कि आपके कूलिंग वाटर से होता है। उसके बाद ऑयल पंप का भी मैंने आपको बता दिया कि जो पंप का काम है वो आपकी रेफ्रिजरेंट जो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है वो काम करती है। इससे नेक्स्ट है कि भाई ऑयल हीटर। अच्छा, इसके अंदर आप ये देखें ये बेसिकली हीट एंड कूल चिलर नहीं है, ये जस्ट कूलिंग के लिए, ठीक है। तो कूलिंग के मौसम के अंदर आपको जब रिक्वायरमेंट होती है तो टेम्परेचर जो है एम्बिएंट टेम्परेचर हाई होता है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका लो टेम्परेचर होगा बाहर, यानी कि सर्दी के मौसम में अगर आपने चिलर चलाना है तो सर्दी के मौसम में चिलर हीटिंग पे चलेगा,
तो सर्दी के मौसम में चूल्हा चलाने के लिए आपको ऑयल को गर्म करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जस्ट कूल मोड है, इसके अंदर हीटिंग मोड नहीं है। तो फिर इसके अंदर क्या मतलब है कि ऑयल को ठंडे करने की जरूरत, गर्म करना की जरूरत नहीं है। जो गर्म होता है इसके अंदर ऑयल, वो आपकी कंप्रेशन से उसका टेम्परेचर अचीव हो जाता है, और वो अगर आपका चिलर बंद हो भी जाए तो फिर भी आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इससे नेक्स्ट है, इसके अंदर एक और चीज है कि जब आपका गैस कंप्रेस करती है आपके ऑयल को इस लिक्विड लाइन के अंदर जाने के लिए, ये बेसिकली एरो गलत बन गए हैं, मैं इनको रिमूव करता हूँ। एरो बेसिकली ये हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जो ऑयल के एरो हैं वो बेसिकली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये ऑयल हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इस ऑयल को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ऑयल के अंदर हमारी कुछ ना कुछ रेफ्रिजरेंट गैस भी चली जाएगी। कुछ ना कुछ रेफ्रिजरेंट गैस जाने के, उसको निकालने के लिए हम फिर क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए हमारा एक सिस्टम यूज होता है जो कि इसके अंदर है, उसको हम सिंपल से कह लें कि एयर वेंट का हम यूज करते हैं, एयर वेंट का। अब एयर वेंट कहाँ है ये आप देख रहे हैं, ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है इसके अंदर बेसिकली हमारा ऑयल, इस बॉक्स के अंदर ऑयल वेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज करके मजीद, या फिर ये ऑयल वेंट है, ये जो आप देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब हमारा लिक्विड आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो गैस होगी वो टॉप पे होगी, लिक्विड नीचे होगा, जो गैस होगी वो इस एयर वेंट में आ जाएगी, इस एयर वेंट से वो गैस, मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में ये आप देख रहे हैं, ये यहां से फिर ये जो गैस है, जो गैस होगी इस ऑयल लाइन में, तो वो यहां से हमारे दोबारा कंडेंसर में चली जाएगी। तो ये बेसिकली इसका, इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ये बेसिकली प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है जो कि ऑयल का प्रेशर, कंडेंसर के अंदर प्रेशर बताएगा। और इसके अलावा ये जो लगा हुआ है ये बेसिकली हमारा ऑयल टेम्परेचर सेंसर है, जो ऑयल हमारा जा रहा है। अच्छा, ये हो गया कि अगर आपके ऑयल के अंदर गैस वगैरह भी, उसके लिए अब नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आपने इसके अंदर जो ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, जो कि ये वाला फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये जो फिल्टर लगा हुआ है इसको अगर आपने चेंज करना, तो उसका क्या तरीकाकार होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी लाइन में। ये आप देख रहे हैं कि अगर आपने इसको चेंज करना है, सॉरी, इसको अगर आपने चेंज करना है तो उसका क्या तरीकाकार है, उसका तरीकाकार सबसे पहले आप ये जो वाल है नीचे, ये इस लाइन के ऊपर लगा हुआ है, इस वाल को बंद कर लेंगे। ये वाल बेसिकली इस लाइन के डाउन साइड पे लगा हुआ है, इस वाल को आप बंद कर लेंगे। उसके बाद, क्योंकि एक और चीज है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये सोलिनॉइड वाल लगा हुआ है, ठीक है। सोलिनॉइड वाल जब आपका चिलर चल रहा होगा तब ओपन होगा, जब आपका चिलर बंद होगा तो वो बंद होगा। आपका ये वाल, जाहिर सी बात है, आपने जब चिलर बंद होगा तो फिर ही आपने फिल्टर चेंज करना है। तो फिल्टर चेंज करने के लिए ये आपका वाल बंद हो गया, नीचे से आपने वाल को बंद कर लिया, इस फिल्टर को आपने फ्लेयर नट लगे हुए दोनों साइड पे फ्लेयर नट खोलेंगे तो आपका चिलर क्या होगा, आपका ऑयल फिल्टर बाहर आ जाएगा। फिर आप जब ने इसको लगाना है तो फिल्टर चेंज करके आपने फिर क्या करना है, मजीद आपके साथ एक पिक्चर शेयर करता हूँ, ये आप देखें। ये जो चीज है यहाँ पे गेज के लिए, वैक्यूम के लिए कोड दी गई है, फिर आप यहाँ से इसकी इस लाइन को वैक्यूम करेंगे क्योंकि एयर चली जाएगी जब आप इसको खोलेंगे, तो एयर को निकाल के फिर आप इस चिलर को दोबारा चला सकते हैं वैक्यूम करके, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से वो तमाम चीजें, साइकिल, उसके बाद फिल्टर, हीटर, ऑयल, कंप्रेशन, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर दी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।